हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माई चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की टिक्की की रेसिपी। देखिए, हमने आलू को उबाल लिया और उसका भरता बना लिया है, एकदम बारीक बारीक कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, कुटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्ची और बहुत सारा हरा धनिया। इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, देखिए सारा मसाले मिल गए हैं। अब हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। देखिए वो अपनी टिक्की बना रहे हैं। अब अपने साइज से बनाएं, जितनी बड़ी आपको छोटी बड़ी चाहिए हो। देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। अब अपना बेसन का बेटर बनाएंगे। देखिए हम बाउल में बेसन डाल ले रहे हैं, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, इन सब चीज़ों को मिला ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा चीज़ घोल, जब भी रेसिपी अच्छी बनेगी थोड़े से ही सामान में टेस्ट आना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना बेटर बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ज़्यादा पानी एक बार डाल दो तो लम्स पड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बनाइएगा तो लम्स नहीं पड़ेंगे। अब इसकी अच्छे से फिटाई करनी है। देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है। फिटाई अच्छे से करेंगे तो खूब अच्छे से फूलेंगी हमारी टिक्की आलू की। सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है, एकदम अच्छे से फूल जाता है। आप चाहें तो चम्मच से या हाथ से फेंट सकते हैं। चम्मच से देखिए कितना आसानी से फिट जाता है। देखिए देखिए मेरी आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे खट्टी चटनी और मीठी चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। रमज़ान में आप बनाइएगा अफ्तार के लिए। देखा कितनी जल्दी बनकर तैयार होती है और आसान भी है बहुत बनाना।